हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्फोटेक। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आरोग्य सेतु ऐप कैसे काम करता है और इसके क्या फ़ायदे हैं। साथ ही मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप आरोग्य सेतु ऐप को इस्तेमाल कैसे करेंगे, साथ ही इसको रजिस्ट्रेशन करने का क्या तरीका है। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए कुछ नया सीख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने क्या करना है कि प्ले स्टोर से अपने मोबाइल के अंदर आरोग्य सेतु ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। प्ले स्टोर में आपने आरोग्य सेतु टाइप करना है और उसके बाद इसको अपने मोबाइल फ़ोन में आपने इंस्टॉल कर लेना है। तो चलिए इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। देख लीजिए इसका इंटरफेस। तो जैसे ही इंस्टॉल हो जाता है फ्रेंड्स, तो चलिए अब हम इसको ओपन करते हैं। तो जैसे ही फ्रेंड्स आप इसको ओपन करेंगे तो देखिए इसके अंदर ये 11 लैंग्वेज में इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। तो आप अपने मर्जी से कोई भी लैंग्वेज इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम सबसे पहले इसमें इंग्लिश को सिलेक्ट कर लेते हैं और इसमें नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। जैसे आप नेक्स्ट में क्लिक करोगे तो फ्रेंड्स इसमें कुछ और ऑप्शंस ओपन होंगे। ये इस एप्लीकेशन के इंस्ट्रक्शंस हैं, इनको आप ध्यान से देखिएगा कि आप इसको कैसे इस्तेमाल करना है। चलिए इसको हम आगे स्वाइप करते हैं और उसके बाद हमने इस पर नेक्स्ट पे क्लिक करना है। देखिए इंस्ट्रक्शन से हो रही हैं। तो चलिए अब हम इस पर नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। फ्रेंड, जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ऑप्शन आएगा रजिस्टर नाउ का। तो आपने रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना है। जैसे आप रजिस्टर नाउ पे क्लिक करोगे तो आपसे परमिशन मांगेगा, तो आपने यहाँ पे आई एग्री कर देना है और ओके करने पर हम इसको लोकेशन परमिशन देंगे और उसके बाद यहाँ पे आपका उसमें मोबाइल नंबर एंट्री करना है आपने। तो चलिए इसमें मोबाइल नंबर एंट्री करते हैं फ्रेंड्स। जैसे फ्रेंड्स आप इसमें मोबाइल नंबर एंट्री करोगे तो उसके बाद आपके पास एक OTP भेजेगा। और जैसे आप OTP भेजेंगे, इसमें अंदर OTP एंट्री करेंगे तो फ्रेंड्स आपका ये एप्लीकेशन है आपके मोबाइल में रजिस्टर हो जाएगा और ये एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद फ्रेंड्स ये आपसे कुछ आपकी जानकारियाँ मांगेगा, तो आपने वो जानकारियाँ इसमें फिलअप कर देनी है, जैसे आपका नाम, आपकी एज। उसके बाद फ्रेंड्स के साथ ही आपकी ट्रैवल हिस्ट्री आपसे पूछता है और उसके साथ ही आपका ऑक्यूपेशन पूछेगा कि आप किस ऑक्यूपेशन में, अगर आपने ट्रैवल नहीं किया है तो आपने उसमें नन कर देना है, और हाल ही में अगर आपने कोई इंटरनेशनल ट्रैवल किया है तो उसमें आपने उस कंट्री के नाम को सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए यहाँ पे नो कर देते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स ये पूछ रहा है कि आपसे परमिशन मांग रहा है कि आप हमेशा कोई हेल्प के लिए तैयार हैं, तो वहाँ पर आपने ऑब्वियसली यस कर देना है और उसके बाद अपना जो डाटा है इसको आपने सबमिट कर देना है। ये आपसे फिर श्योर कंप्लीट करता है कि आपका डाटा सही है, तो ये अपने आप आपको दिखाता है कि आप अभी बिल्कुल स्वस्थ हैं। तो उसके बाद आपने यहाँ पे यस कर देना है। तो जैसे आप यस करोगे तो आपसे कुछ सेल्फ असेसमेंट के क्वेश्चन से पूछेगा, तो आपने उनका रिप्लाई देना है। जैसे आपको कोई सिम्टम्स तो नहीं है, जैसे कफ, फीवर या इनमें से कुछ अगर है तो आपने उसमें ओके करना है, अगर नहीं है तो आपने उसमें नन ऑफ द अबव करना है। सेम उसके बाद आपसे कुछ डिजीज़ के बारे में पूछेगा, क्या आप इन डिजीज़ से पीड़ित हैं, तो आपने अगर इनमें से कोई डिजीज़ है तो उसको सेलेक्ट कर लेना, नहीं तो नन ऑफ द अबव कर देना है। उसके बाद ये आपसे पूछेगा कि आपने हाल ही में कोई इंटरनेशनल ट्रैवल तो नहीं किया है, अगर किया है तो आपने उसको यस करना है, अगर नहीं किया तो आपने नो कर देना है। इसके साथ ही फिर आपसे पूछता है कि आप अभी तक किसी कोरोना पॉजिटिव आदमी के संपर्क में तो नहीं आए हैं या फिर किसी ऐसे डॉक्टर के संपर्क में आए हैं जो कोरोना पॉजिटिव का टेस्ट किया हो, तो वहाँ पे भी आपने नन ऑफ द अबव कर देना है या फिर जो भी आपका ऑप्शन है उस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद ये असेसमेंट करके आपको आपके हेल्थ के बारे में बताएगा। तो जैसे हम इसमें नन ऑफ द अबव करते हैं तो देखिए ये हमारे को नोटिफिकेशन देता है कि आप बिल्कुल सेफ हैं। इसके साथ ही फ्रेंड्स इसकी ब्लूटूथ और लोकेशन ओपन होना चाहिए आपके मोबाइल का, जिससे कि जैसे आप किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आएंगे जिसने हाल ही में कोई इंटरनेशनल ट्रैवल किया हो या उसके अंदर सिम्टम्स हैं, तो ये आपको नोटिफिकेशन के जरिए अलर्ट देता है। तो फ्रेंड्स ये काफ़ी अच्छा एप्लीकेशन है और आप इसको यूज़ कीजिए, साथ में अपने फैमिली मेम्बर्स को बताइए कि इसको डाउनलोड करें और इस्तेमाल करें। इसके अलावा फ्रेंड्स इसमें कुछ और इन्फॉर्मेशंस भी हैं, जैसे कि देश में कोरोना पॉजिटिव के कितने केस आ चुके हैं, उन सब की डिटेल्स यहाँ पे आपको मिलती है, स्टेट वाइज डिटेल्स यहाँ पे आपको मिलेगी। साथ ही
अभी तक कितने लोगों इससे रिकवर कर चुके हैं, वो सारी डिटेल्स आपको इस एप्लीकेशन में मिल जाएंगी। इसके अलावा फ्रेंड्स, इसमें कोरोना से बचने के लिए क्या क्या डूज एंड डोंट्स हैं, क्या क्या सेफ्टी प्रिकॉशन है, वो सब इन्फॉर्मेशन भी आपको इस एप्लीकेशन में मिलेगी। तो देखिए, नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे आपको कोरोना से बचने के लिए क्या क्या उपाय करने होंगे, वे सब इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल है। साथ ही डूज एंड डोंट्स, कैसे आपने सोशल डिस्टेंस का पालन करना, वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है। इसके साथ ही सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कोई ट्वीट्स आते हैं तो वो सब इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलेगी। और इसके साथ ही लास्ट में आपको यहाँ पे पीएम केयर्स अकाउंट के बारे में इन्फॉर्मेशन है कि यदि कोई भी आप में से पीएम केयर फंड्स में अगर डोनेट करना चाहता है तो उसका अकाउंट नंबर, बैंक का नाम और उसका आईएफएससी कोड यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये सब चीज़ें आपको इस एप्लीकेशन में अवेलेबल मिलती हैं। आशा करते हैं फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आया होगा।